बीजेपी सरकार मन नहीं रहे सर किसी देखे इन्हें अच्छा दुनिया में साथी किसान भाईचारे में इखलाकी दुकानदार आए ने सियासी पार्टियां आए ने मजदूर आए ने छोटा दुकानदार आया कोई होर बिजनेस करने वाला दूधी आए ने हर तरह का वर्ग जिहड़ा उन्हें सानू अज इस तालमेल वाली कोई गल नहीं। मेरा ख्याल है व्हाट्सएप के उपर या सोशल साइट के उत्ते जिहड़ा प्रचार है वह पूरे जोर से चलता है तो सारे आपो अपने थाउं से ही पता जिहड़े आ लोग अज सारे आए ने यह उस तालमेल के उत्ते ही आए ने अपने तौर पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲੇ ਬੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ जो सरकार का अपना फर्ज बनता है कि इस मसले को हल करना लोगों की गल सुनी जानी चाहिए सी सरकार उस तो जिहड़ी हैगी है बिल्कुल पासा वट गई है। सरकार का रवैया डिक्टेटरशिप होने करके असी सरकार नूं फिर भी एक चेतावनी के रूप के अज 6 महीने पूरे होने ते थां थां दे उत्ते पिंड पिंड दे विच हर कस्बे दे विच मोदी का पुतला चला के ते काले झंडियां दे नाल रोस प्रगट किया क्योंकि लोकराज दे विच एक रूल बनिया होया है कि जे किसी नूं कोई पीड़ित है किसी नूं कोई तकलीफ है तो अपने मोढ़े दे उत्ते जे कोई काला बिल्ला ला लैंदा ते सरकार दा फर्ज मानदा उसकी गल सुनी जानी। सानू सरकार दे बूहे दे उत्ते बैठिआं नूं लगभग 6 महीने हो गए ने ते वैसे संघर्ष चलदे नूं तां साल होण वाला 6 महीने तां दिल्ली दे उत्ते बैठिआं नूं हो गए ने। सरकार ने अजे तक जिहड़ी आ ओह टस तों मस नहीं होई उस मसले नूं हल नहीं कीता इस करके रोस प्रगट करदिआं होया